आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के करीब आते ही सूबे में रोज सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं। सूबे की हर पार्टी जमीन से लेकर इंटरनेट तक प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। अब समाजवादी पार्टी, मुस्लिम समुदाय और राम मंदिर को जोड़ता एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में समाजवादी पार्टी से कथित तौर पर जुड़ा एक गाना सुनाई दे रहा है। गाने के लिरिक्स को वीडियो में लिखकर भी चलाया जा रहा है। इन लिरिक्स में बिना किसी भाषाई सुधार किए हम ज्यों का त्यों आपको बता देते हैं। आई सपा तो मंदिर का निर्माण रुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा, गजवाए हिंद एजेंडा फिर नहीं रुकेगा। आई सपा तो मंदिर का निर्माण रुकेगा, लहरेगा हरा झंडा और भगवा झुकेगा। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में सुनाई दे रहा गाना मुस्लिम समुदाय ने बनाया है। वायरल वीडियो को ट्विटर यूजर जयराम राबड़ी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, वायरल वीडियो को फेसबुक यूजर्स भी मुस्लिम समुदाय से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा पड़ताल की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर भी ललन टॉप के कई पाठकों ने दावे की सच्चाई जाननी चाहिए है। द ललन टॉप ने वायरल दावे की पड़ताल की। पड़ताल में ये दावा गलत साबित हुआ। वायरल गाना संदीप आचार्य ने बनाया है और वो खुद को हिंदू बताते हैं। दावे की पड़ताल के लिए हमने कीवर्ड सर्च की मदद ली। वायरल हो रहे वीडियो का पूरा वर्जन हमें यूट्यूब पर मिला। यूट्यूब चैनल रुद्रा म्यूजिक ने 30 सितंबर 2021 को वायरल गाने के फुल वर्जन को अपलोड किया था। फुल वर्जन में 55 सेकंड के बाद वायरल वीडियो से मिलती जुलती लिरिक्स को सुना जा सकता है। रुद्रा म्यूजिक के इस वीडियो में सिंगर के तौर पर संदीप आचार्य का नाम और नंबर भी लिखा है। इन्हीं संदीप आचार्य का नाम और नंबर वायरल वीडियो में भी देखा जा सकता है। फेसबुक पर संदीप आचार्य नाम के एक पेज पर रुद्रा म्यूजिक यही वीडियो अपलोड किया गया है। वायरल दावे के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने वायरल वीडियो पर दिए गए नंबर पर संपर्क किया। ये नंबर संदीप आचार्य का है। खुद को हिंदुत्व और भाजपा समर्थक बताने वाले संदीप ने बताया, वायरल वीडियो में सुनाई दे रहा गाना किसी मुस्लिम ने नहीं बल्कि स्वयं मैंने गाया है। असल में ये गाना 4 से 5 मिनट का है जिसके हिस्से को काटकर गलत रूप से प्रसारित किया जा रहा है। ये गाना मैंने भाजपा के समर्थन में गाया है और गाने को लेकर मेरी सोच थी कि 1990 में जो पार्टी राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा सकती है, वो पार्टी अगर सत्ता में आती है तो राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में अवरोध पैदा कर सकती है। इसी सोच के तहत मैंने हिंदुओं को आगाह करते हुए ये गीत गाया कि सपा जैसी पार्टी को वोट मत देना। संदीप के फेसबुक पेज पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के समर्थन में गाए कई गाने भी मौजूद हैं। हमारी पड़ताल में वायरल दावा भ्रामक साबित हुआ। वायरल हो रहे गाने के लिरिक्स तो सही हैं, लेकिन इसे किसी मुस्लिम व्यक्ति ने नहीं गाया है। वायरल गाने के फुल वर्जन को संदीप आचार्य ने गाया है जो खुद को हिंदू बता रहे हैं। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।